नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जाति आधारित गणना पर हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई और अब इसके बाद पोस्टर वार जो है वो सड़कों पर दिख रहा है। एक बार फिर से पोस्टर्स के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। क्या ये पोस्टर बीजेपी की फजीहत जो है वो खड़ी कर देगा? मेरे पीछे आप ये पोस्टर देख रहे होंगे, यूथ फॉर इक्वलिटी, जिसके द्वारा याचिका दायर की गई पटना हाई कोर्ट में और फिर उस पर रोक लगा दी गई। आखिर यूथ फॉर इक्वलिटी का कैसे बीजेपी से कनेक्शन बताया गया है? यानी कि पर्दे के पीछे बीजेपी ही है। बिहार में जो सरकार अपने खर्चे पर जाति आधारित गणना कराई थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने जनगणना भी नहीं कराया 2021 में और जाति आधारित जनगणना कराने से भी इनकार कर दिया। वैसे में बिहार सरकार जब अपने खर्चे पर जाति आधारित गणना कराई थी, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण भी हो रहा था कि किस जाति के लोग कितने आर्थिक रूप से मजबूत हैं, ताकि उनके लिए ये विकास की योजनाएं जो हैं वो बन सके, वैसे में यूथ फॉर इक्वलिटी की ओर से याचिका दायर की जाती है और उसके बाद फिर हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दी जाती है जाति आधारित गणना पर। ये पोस्टर देखिए, इस पोस्टर्स के माध्यम से आप देख रहे होंगे जातिगत गणना पर रोक लगाने वाले याचिकाकर्ताओं का भाजपा से गहरा नाता, यूथ फॉर इक्वलिटी। और बताया गया यूथ फॉर इक्वलिटी कभी जाति आधारित आरक्षण के विरोध में थी, अब इंटरकास्ट मैरिज के साथ में है। देखिए, कभी जातिगत आरक्षण के विरोध में यूथ फॉर इक्वलिटी के लोग थे। और प्रोफेसर संगीता कुमारी रागी, ये तस्वीरें दिखाई गई हैं, कैसे अमित शाह के साथ तस्वीरें दिख रही हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, जिनका अपना ट्विटर अकाउंट है प्रोफेसर कपिल कुमार डिटरमाइंड नेशनलिस्ट, और उनकी तस्वीर जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ दिख रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के खेल का पोल खोल ये पोस्टर्स लगाया गया है। नो कास्ट बेस रिजर्वेशन, सवर्ण आरक्षण पर फंस सकता है पेच। ये तमाम जो बातें हैं वो पहले निकल के आ रही हैं। यूथ फॉर इक्वलिटी करके एक संगठन है, इस पोस्टर्स के जरिए साफ साफ बताया गया है कैसे ये दिखाया गया है कि जो महात्मा गांधी को नाम मानने वाले लोग हैं, जो आरएसएस को मानने वाले लोग हैं, बीजेपी की विचारधारा के लोग हैं, वो सभी मिलकर पर्दे के पीछे से एक अलग संगठन बना कर जाते हैं कि यूथ फॉर इक्वलिटी संगठन का सीधा कनेक्शन बीजेपी से बताया गया है। कई सारी तस्वीरें दिखाई गई हैं अमित शाह के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के साथ। और कौन है ये लोग, यूथ फॉर इक्वलिटी वाले लोग कौन हैं, ये खुलकर दिखाया गया है कौन कौन है उस संगठन के लोग और उनका बीजेपी से कैसे कनेक्शन है। समझिए, देश के महंगे वकील मुकुल रोहतगी, जिनकी फीस लगभग 22 लाख रुपए है पर हियरिंग, उन्हें रखा जाता है इस केस की लड़ाई के लिए यूथ फॉर इक्वलिटी की ओर से। तो ऐसे में बीजेपी का क्या खेल है बिहार की जनता को ये बताने के लिए पटना के चौक चौराहों पर ये पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। अब ये पोस्टर्स किसके द्वारा लगाए गए हैं हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं बीजेपी के लिए ये पोस्टर्स जो है वो फजीहत खड़ी कर देगा। लोग इसकी ओर मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं सड़कों पर, और याचिकाकर्ताओं का भाजपा से गहरा नाता है, ये साफ बताया भी गया इस पोस्टर में। तो तमाम पोस्टर्स की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जिस तरीके से बीजेपी के साथ कनेक्शन बताया जा रहा है, पोस्टर्स लगा दिए गए हैं पटना के चौक चौराहों पर, तो इससे बीजेपी की कितनी फजीहत खड़ी होती है, क्योंकि बीजेपी साफ साफ कह रही है कि सरकार ने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा होगा। लेकिन यूथ फॉर इक्वलिटी के लोग बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, ये बातें साफ साफ बताई गई हैं। तो क्या बीजेपी आरएसएस नहीं चाहते हैं? आरएसएस की बात तो हम खैर इसमें नहीं करेंगे, लेकिन क्या बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में जाति आधारित गणना हो, जो सरकार अपने खर्चे पकड़ा रही थी? क्योंकि 85% काम लगभग पूरा हो चुका था, उसके बाद जब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, अगली सुनवाई की तारीख जो है वो 3 जुलाई है। तो देखना होगा 3 जुलाई को फिर क्या फैसला आता है, क्या बिहार सरकार को राहत मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात फिलहाल नहीं कह सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करे, और जब जल्द सुनवाई की याचिका दायर की गई उसे भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। तो पटना के सड़कों पर लगा हुआ है पोस्टर्स, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे पोस्टर है, हर चौक चौराहों पर दिख रहा है पोस्टर। ऐसे में बीजेपी का काफ़ी खेल ख़राब कर देगा ये पोस्टर, बीजेपी को काफ़ी नुकसान पहुँचाएगा ये पोस्टर, ये पॉलिटिकल जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।